ये आप हजार नहीं लाख जगह, इस उम्र में मैं हजार जगह देख लिया हूंगा जहां अल्लाह हो अकबर बम फट जाता है, अल्लाह हो अकबर बम फट जाता है। आपने एक एग्जांपल, कहता हूं मैं एक एग्जांपल, पूरे भारत के लोग मुझे एक एग्जांपल दे दे जहां कोई जय श्री राम बोल के बम फट गया हो। लंदन में बम फटता है अल्लाह हो अकबर, अमेरिका में बम फटता है अल्लाह हो अकबर, भारत में बम फटता है अल्लाह हो अकबर, कहीं जय श्री राम। लेकिन इनको क्या करना है, जिस तरह मुस्लिम जो है एक सेक्शन वो बम फोड़ता है, लेकिन क्या बोलेंगे, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। मान लिया मैं आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन हिंदू आतंकवादी दिग्विजय सिंह बोलेंगे, राहुल गांधी अमेरिका के राजदूत को बोलेंगे कि इस देश का हिंदू आतंकवादी जो है जैसे मोहम्मद से ज्यादा खतरनाक है। अब मैं आज के इशू पे आता हूं, जो मौलाना है ऐसे मौलाना देश में भरा पड़ा है, जो कि ताबीज देता है, ताबीज के नाम पे 500,000 रुपया कमाता है, और वो हजार रुपया दे के तो उस मौलाना जो है उसको लतियाना चाहिए, लेकिन इसीलिए नहीं लतिया सकते कि संविधानिक रूप से ही गलत है, बाबा साहब को मानते हैं। वो मौलाना के कारण मासूम लोग, मौलाना तो जानता है कि वो झूठ दे रहा है, लेकिन जिस मासूम परिवार उजड़ गया, मैं मौलाना पे विश्वास किया कि मुझे ताबीज दो, मैंने अपनी पत्नी को ताबीज दिया, मेरा बच्चा मर गया। अगर वो मौलाना जान रहा है कि ताबीज में कुछ नहीं है, वो हमको बोल देता कि कुछ नहीं है तो मेरा बच्चा बच जाता, लेकिन मौलाना क्या करता है, वो ताबीज दे के 500 रुपया लेके मासूम लोग के बच्चा को मरवा देता है, उसको हॉस्पिटल नहीं जाने देता है, बोलता है ताबीज से ठीक हो जाएगा। इसके बाद क्या करता है, उसका बच्चा मर गया, वो क्या करेगा, गांव का लोग जो ग्रामीण जो है इनोसेंट, वो क्या करता है, मौलाना को थकुच देता है। हमारे आपके तरह इतना थोड़े सोचता है कि संविधानिक रूप से उसका तो बच्चा को मर गया, उस पर विश्वास किया, उसके भाई डॉक्टर को लोग मारता है, लेकिन मारना गलत है संविधानिक रूप से, तो मारना नहीं चाहिए। लेकिन हुआ क्या, उसका बच्चा मरा, उसमें उसका दोस्त जो उसका पूरा दोस्त था, हिंदू का मुस्लिम दोस्त होता है, मुस्लिम का हिंदू दोस्त होता है, भारत की जो संस्कृति है, तो उसको जो है चार मुस्लिम लड़का था दो हिंदू था, मारा, वहाँ काम खत्म। वो जाके मौलाना थाना में अब्दुल केस कर दिया, थाना में केस कर दिया, रफा दफा। लेकिन षड्यंत्र का जन्म ही यहाँ से होता है। समाजवादी पार्टी का जो गुर्गा है, जो अखिलेश यादव अयोध्या में गुर्गा छोड़ रहा है, गुर्गा गाजीपुर में छोड़ रहा है, जो ये अखिलेश यादव का बाप जिस तरह सरयुग में हिंदू को गोली मार दिया था, बोला था और हिंदू को मारेंगे, ऑन रिकॉर्ड बयान है अखिलेश के बाप का, तो उसी तरह से जो है ये क्या कहते हैं, गाजीपुर का जो गुर्गा है ये षड्यंत्र रचा। ये उस मौलाना को बुलाया, अब बोला इसमें मसाला डाल, मौलाना को सिखाया, अखिलेश का गुर्गा सिखाया मौलाना को कि तुम ये बोल कि जय श्री राम के कारण तुमको मारा गया, तो अखिलेश का गुर्गा सिखाते गया और मौलाना बोलते गया, फिर उस वीडियो को बना के पूरा वायरल, भारत में वायरल करवाया। तो ये अखिलेश यादव का षड्यंत्र है, ये उत्तर प्रदेश चुनाव में दंगा करवाना चाहते हैं, दंगा करवा के मुसलमान को डरा के उसका एकजुट वोट लेना चाहते हैं, और हिंदुओं को बताना चाहते हैं कि मोदी सही आदमी नहीं है, उसको बदनाम। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से आज तक मोदी जी का पूरे दुनिया में ऐसा छवि बनाने का कोशिश किया कि मोदी के आने के कारण देश में इनटॉलरेंस बढ़ गया, देश में ही मतलब मुसलमान को यह हो गया। जितना केस आज तक आया है सब केस का वही लीला है। ये जो है, ये जो लोग बोल रहे हैं, एक ऐसा केस नहीं है, ये एक दो का नहीं है, मैं इसका पूरे षड्यंत्र बताता हूं। जो इसका जो गैंग है ना, पूरे गैंग का मैं आज चिट्ठा खोलता हूं। गैंग का एक सरगना जो है उसको जो वो तो बेवकूफ है, लेकिन उसके चारों बगल जो विदेशी मानसिकता के लोग, सेम पित्रोदादा जैसे लोग बैठते हैं, जो हजारों सिख भाइयों के मरने पे कहते हैं हुआ तो हुआ, सिख मरे तो मरे, मुंबई में ब्लास्ट हुआ तो हुआ, ये उनके गुरु सेम पित्रोदा और दिग्विजय सिंह जैसे गद्दार का बयान है। मैं कुछ नाम लेता हूँ। ओवैसी बोलता है हिंदू गुंडा जो मारा उसको, उसमें चार मुसलमान थे, ठीक है, लेकिन ये बोल मतलब एक व्यक्ति क्राइम बोलता आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, लेकिन हिंदू को बदनाम करेगा, राम को गाली देगा, समाजवादी पार्टी का हैंडल हो गया, राणा अयूब जिसको सुप्रीम कोर्ट लतार चुका है, सभा नकमी भी गद्दारे है, स्वरा भास्कर दो कौड़ी की है उसका दो बातें करना है, आरफा खानम शेरवानी ये है, मनोज कुमार झा है, मोहम्मद जुबैर है। मोहम्मद जुबैर जो है इसका थोड़ा फोकस करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो गद्दार है, बॉलीवुड का डागा सिंह है, जो सामने से अनाथ आश्रम चलाता है
और पीछे जो है अपना काला धंधा करता है कि सामने जनता को मूर्ख बनाता है फैक्ट चेक के नाम पे, और पीछे जो है फैक्ट चेक के नाम पे झूठ फैलाता है। खैर अभी तो इस बार उस पे केस किया गया है, तो ये जो इस पूरे गैंग का षड्यंत्र है इसका एक ही मकसद है कि किसी तरह से पूरे देश में पूरे विश्व में ये माहौल बना दो कि भारत के हिंदू जो हैं, ये शशि थरूर बोला था हिंदू तालिबान हिंदू पाकिस्तान, मतलब इस देश के जो हिंदू हैं उनको बदनाम करो, राम को गाली दो, यहाँ के साधु संत को गाली दो। तो इन लोगों का इसी षड्यंत्र है उत्तर प्रदेश में किसी तरह योगी जी को हराना। टारगेट मोदी है लेकिन पहला टारगेट इन लोग का योगी जी है। जैसे अटल जी थोड़ा ज्यादा इन लोग के बदमाशी को बर्दाश्त कर लेते थे, मोदी जी भी हल्का फल्का अपना ये लोग पत्थर मारता है तो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन योगी जी वो वाला नहीं है। गुंडाई करेगा इनकाउंटर होगा, या तो जेल में जाओ नहीं तो इनकाउंटर होगा। अगर इससे भी अगर तुम नहीं माना तो देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में गुंडा की हाल कर दिया है। तो इसीलिए इन सभी को लगता है कि अगर योगी आ गया तो हम लोग का धंधा पानी चौपट कर देगा। जितना पेपर है, जितना इनका लेफ्टिस्ट का पूरा गैंग है, ये पूरा गैंग जो है मिलके भगवान राम को, हिंदू साधु संत को, सबको बदनाम। सिंपल देखिए ना भाई, किस तरह से उस जो मौलाना है, इसका मैं आपको कुछ केस का एग्जांपल देना जरूरी है। ऐसी पहली घटना नहीं है जो झूठ साबित हुई हो। हाँ, ऐसी घटना जो है ना कैसे षड्यंत्र करता है, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। जुलाई 2019 में एग्जांपल दे, मेरे पास ऐसे कम से कम तो आज मैं 100 एग्जांपल देखा हूँ। मैं कुछ एग्जांपल जो जनता को भी याद होगा जिसमें अच्छे अच्छे लोग फंस जाते हैं। जुलाई 2019 में उन्नाव में बोला कि मदरसा के छात्र से जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाया गया। जब पुलिस जांच किया तो पता चला कि ये जो है षड्यंत्र करके बदनाम करने के लिए किया गया। एक और एग्जांपल मुझे याद आ रहा है, जब बराक ओबामा भारत में थे तो चर्च पे एक शराबी पत्थर फेंक दिया था, तो बर्खास्त हुई। इसका जितना गैंग था सब बोलने लगा कि देश में इंटॉलरेंस हो गया, चर्च पे अटैक हो गया था क्या, एक शराबी पत्थर फेंका था, बराक ओबामा था उसको बयान देना पड़ा इस पे। तो इतने कारी हैं ये लोग जो है। मई 2019 में गुरुग्राम में जो षड्यंत्र रचे थे, अगर सीसीटीवी फुटेज नहीं आता तो गुरुग्राम में जो है बोला कि जय श्री राम बोल के नारा लगवा के मेरे टोपी को गिराया गया, मौलाना बोला था। और जब उसका सीसीटीवी फुटेज आया, बीजेपी का नेता जो है गौतम गंभीर वो इन लोग के षड्यंत्र में फंस गए। सीसीटीवी में पता चला कि मौलाना को नहीं किया गया। ये क्या कहते हैं, जुलाई 2019 में कानपुर की घटना हो गई, अलीगढ़ की घटना हो गई, तेलंगाना की करीमनगर की घटना हो गई। सब घटना में देखिएगा कि कहीं बोलता है कि मौलाना पे जय श्री राम बोल के आक्रमण किया गया। और जब सारी घटनाओं की जांच होती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, तो पता चलता है कि हिंदुओं को बदनाम करने के लिए किसी तरह मोदी को सत्ता से उतारने के चक्कर में देश से अपने धर्म को से भी गद्दारी करता है। और ये लोग जो है बदनामी करने से पीछे नहीं हटता है। राहुल गांधी की एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि जैसे देखते होंगे केजरीवाल हो गया, राहुल गांधी हो गया, ये लोग करता क्या है, जैसे कोई लिंचिंग का केस हुआ, जैसे उसको 5 थप्पड़ लगा जो वो क्रिमिनल है, मेरे लिए ऐसा नहीं है कि क्रिमिनल को 4 थप्पड़ लग गया तो अच्छा हो गया, फिर भी वो क्रिमिनल क्रिमिनल है, 4 थप्पड़ लगा गलत है भाई, उसको कोर्ट सजा दे, ठीक है। तो जैसे उसको 5 थप्पड़ लगा, हल्ला किया, झूठ फैलाया, लेकिन जब अंकित को मार दिया, रिंकू भाई को मार दिया, हिंदू जितने को मारा गया, जितने को लिंच किया गया बंगाल में, न राणा अयूब का कुछ खुलता है, न स्वरा भास्कर का, न जावेद अख्तर का, कि जितना इस गैंग का है, जिसका ये क्या कहते हैं कांग्रेस भत्ता देती थी, किसी को वाइस चांसलर रुपया बनाती थी, ये सारे लोग जो है लिंचिंग के केस में जब हिंदू का होता है तो चुप्पी साध लेते हैं, और जो मुस्लिम का होता है उस पर जो है ये लोग रोना शुरू करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, अगर भाई किसी मुस्लिम पर अटैक हुआ है तो उस पर भी आवाज उठाना चाहिए, हम आपसे 100% सहमत हैं। लेकिन जब अंकित मरता है, केजरीवाल जी कहां चल जाते हैं, उत्तर प्रदेश अखलाक को 1 करोड़ रुपया देने के लिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बगल में रिंकू मरता है, बगल में अंकित मरता है, तो उसको 50 पैसा केजरीवाल जी नहीं देते हैं। लेकिन हुआ क्या है, इस बार जितने ये लोग गैंग है, ये लोग का इंटरनेशनल कनेक्शन जो ट्विटर है, ट्विटर भी ये लोग को साथ दे रहा है। ट्विटर जो है वो किया क्या, उसका सबसे बड़ा एक्सपोजर एक एग्जांपल है कि जब अमेरिका में ट्रंप समर्थकों ने व्हाइट हाउस पे गया तो क्या किया, ट्रंप का अकाउंट सस्पेंड कर दिया। यहाँ लाल किला पे हमला हुआ,
वहाँ हमला हुआ अमेरिका में, क्या किया? ट्रंप का अकाउंट सस्पेंड कर दिया। लाल किला पे ट्विटर का हमला हुआ, ट्विटर क्या किया? लाल किला पे उस लोग का अकाउंट नहीं सस्पेंड किया जो लोगों ने भड़काया, जो लोगों ने लिखा हैशटैग मोदी जो है किसानों को मतलब सर्वनाश करना चाहता है, मारना चाहता है, काटना चाहता है, इस तरह का फेक न्यूज ट्विटर फैला, ट्विटर एक्शन नहीं लिया। एक में एक्शन लिया, एक में एक्शन नहीं लिया। आज से ट्विटर नहीं कर रहा। एक जागृति शुक्ला नाम की पत्रकार थी, उसके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया बहुत पहले, उस समय से षड्यंत्र कर रहा है। तो क्या ये सारा का सारा षड्यंत्र इसलिए रचा गया था कि यूपी में चुनाव है, दंगा भड़काना है, योगी को बदनाम करना है, बताना है कि जो योगी आदित्यनाथ सरकार है, भाजपा सरकार है, वो मुस्लिम विरोधी सरकार है, कैसे मुस्लिमों को जय श्री राम का नारा बोलकर मारा जाता है? बिल्कुल सही पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश में इन लोग का जो षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र है कि किसी तरह से इन लोगों को, उत्तर प्रदेश के मुसलमान को एकजुट करके अखिलेश को वोट दे और हिंदू को डिवाइड करके, जाट के नाम पे अलग अलग नाम पे हिंदू को डिवाइड करके किस तरह से उसको बिखराव पैदा किया जाए। तो ट्विटर के बारे में बोलना इसलिए जरूरी है कि उमर खालिद जैसे गद्दार को ब्लू टिक देता है, शर्जील इमाम जैसे गद्दार को ब्लू टिक देता है, और भारत के जो कंगना रनावत भारत के पक्ष में बोलती है, कंगना रनावत का अकाउंट सस्पेंड कर देता है, लेकिन किसका? जो एक आतंकवादी है उमर खालिद, शर्जील इमाम जो भारत को तोड़ने की बात करता है, उसको ट्विटर प्रमोट करता है, उसको ब्लू टिक देता है, और जो भारत के पक्ष में बोलता है उसके अकाउंट के मतलब फॉलोअर्स घटा देता है। तो अब इस अभी जो षड्यंत्र किया गया था, लोग ट्विटर बैन की बात कर रहे थे, लेकिन अभी जो भारत सरकार है ट्विटर का बैंड बजा दिया, ट्विटर बैन नहीं किया, ट्विटर का बैंड बजा दिया, क्योंकि ट्विटर को जो सुरक्षा मिला हुआ था उस सुरक्षा को ही खत्म कर दिया गया है। यानी अब हम और आप कोई भी ट्विटर पे भी केस कर सकते हैं, पहले ये चीज नहीं था। तो अब सब बिलबिलाए हुए हैं कि अब तो मेरे आका पे ही हमला कर दिया, तो इसीलिए ये अच्छा कदम है। और विदेशी कंपनी जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी हमको गुलाम बनाई थी, उस तरह इन सोशल मीडिया के षड्यंत्र जो ये लोग हैं, ये सोचते हैं कि हम भारत के नैरेटिव को सेट कर देंगे, तो इसके अनुसार सेट नहीं होगा। और इन लोगों के पे जो कार्रवाई भारत सरकार की है, उसका हम पूर्ण रूपेण स्वागत करते हैं।